बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत होंगे। आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़ जी। तो कल मैं शॉप देख के आया था जो कि हमारे सिटी में नई ओपन हुई है, तो वहाँ पे भाई को मैंने बताया कि मुझे जानवरों का पेट्स का काफ़ी शौक है, उन्हें बताया तो सील मुर्गी और मुर्गे का मैं ऑर्डर देखे हूँ। तो अगर आपके पास कोई अच्छी सी नस्ल के कोई आते हैं तो मुझे बताइएगा, हमने लेने हैं तो इंशाल्लाह हम एक सील का जोड़ा भी लेके आएंगे अपने जू में, ताकि आइंदा हमारी मुर्गी पारे पे बैठे बड़ी होकर अंडे रखेंगे उसके नीचे, तो इंशाल्लाह एक सील की मुर्गी और मुर्गा हम लेंगे इंशाल्लाह। अभी बंडी कैंडी के शेड की सफाई करने वाली हो गई है, काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर कचरा जमा हो गया है। ये देखें जी, इसकी दोबारा से सफाई होने वाली हो गई है। बेबो यहाँ पे बैठी हुई है। बेबो बेबो माशाल्लाह से काफ़ी अभी बड़ी हो गई है बेबो हमारी। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है कि हमारी बेबो कब बच्चे देने वाली बनेगी। अभी बेबो 10-11 माह की हो गई है, तो अभी बेबो को बोल लेना चाहिए था, ये जब बोलेगी तो फिर ये बच्चे देने वाली हो जाएगी। तो अभी बेबो हमारी माशाल्लाह से 10-11 माह की हो गई है। और कल जो शॉप देखी थी वहाँ पे फैंसी पिजन्स भी थे और भी काफ़ी उनके पास पेट्स थे, तो देखेंगे हम फिर आइंदा जाएंगे तो पहले हम उनसे सील और मुर्गी और मुर्गा लेते हैं, फिर आगे और चीज़ें परचेज करेंगे इंशाल्लाह। तो बस भाई को मैंने कह दिया था कि हमें एक मुर्गी और मुर्गा चाहिए, तो वो कह रहा था जैसे मेरे पास आएंगे कोई अच्छी सी नस्ल वाले तो मैं आपको बता दूंगा। नंबर उनका मैंने ले भी लिया था और उन्हें दे भी आया था नंबर, तो इंशाल्लाह वो बता देंगे तो फिर हम उनसे ले लेंगे। अभी मुर्गियाँ मुर्गे वगैरह हमारे अभी केज में बंद हैं, तो इनको खोल देते हैं, ये भी ज़रा बाहर चल फिर लें। तो सुबह से इन्हें खोला नहीं था, अभी खो रहे हैं। चलें जी आ जाओ बाहर। चलें जी, ये सारी उधर पंटी कैंडी के पास जाके चले गई हैं सारी वहाँ पर। नहीं भी इनका बस तकरीबन ख़त्म हो गया, ये भी चेंज कर देते हैं जी। तो अभी मैं घर से जाके फ्रेश पानी ले आया हूँ मुर्गियों के लिए, तो ये यहाँ पे रख दिया मैंने। तो ये छोटे फीडर में डाला है पिजन्स का पानी, ये रख देते हैं उनके पास, ज़्यादा ये पानी सारा पी लेते हैं एक दिन में ही, तो ये डेली मैं रखता हूँ यहाँ पर। ये देखिएगा अभी पानी पीने के लिए आएंगे, गर्मी है ना ज़्यादा इस वजह से। ये देखिए पानी पी रहे हैं। कुछ देर के लिए खोल देते हैं ताकि अंदर हवा आ जाए, तो बस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो पंखा भी मैं चलाता हूँ तो फिर भी हवा अंदर जाएगी। तो रैबिट हमारे किधर हैं? रैबिट तो नज़र ही नहीं आ रहे, वो आ गया रैबिट का ही रेख। तो दूसरा भी अभी आ जाएगा। अभी अभी मैंने चारा डाल दिया, चलिए चारा खा लें। हर एक दो दिन के बाद यहाँ पे गार्डन को पानी लगाता हूँ, तो कुछ गर्मी भी ज़्यादा है और कुछ ये मिट्टी भी हमारी ना इतनी देर गिली नहीं रहती, इसमें नमी नहीं ज़्यादा देर रहती, तो यहाँ पे हमें बाल मिट्टी ला कर डालनी पड़ेगी। ये देखिए अभी कल पानी लगाया और मिट्टी दोबारा से सारी खुश्क हो गई है, तो हमें नहर की जा कर मिट्टी बाल इसमें ला कर डालनी पड़ेगी ताकि एक दो दिन गुजरें करें, क्योंकि अभी कल पानी लगाया और आज मिट्टी दोबारा से सारी खुश्क हो गई है, तो ये मिट्टी हमें ला के डालनी पड़ेगी गार्डन में। नार माशाल्लाह से हमारे रेड होना शुरू हो गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े नार हो गए हैं। तो ये देखिए अभी ये रेड हो रहा है और ये आस्ता आस्ता से सारे पक जाएंगे, काफ़ी ये नार लगे हैं माशाल्लाह से। अनार काफ़ी अभी बड़े हो रहे हैं, तो ये आस्ता आस्ता से सारे पक जाएंगे। देखिए कितने छोटे छोटे से अनार ये जो। इंशाल्लाह हम ईद के बाद यहाँ पे नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने वाला हूँ मैं,
सबसे पहले तो मैंने ये जो के हमारे पास जगह है यहाँ की सफाई करके और ये पीछे वाली दीवारें ऊंची करनी है। तो यहाँ पे हमने केज बनाने हैं, तकरीबन हमारा 1, 2, 3, 4 केज यहाँ पे बन जाएंगे। मुख्तलिफ पैट के हम यहाँ पे केज बनाएंगे। और इस जगह पे मैंने सोचा है कि हम एक मास्टर केज बनाएंगे जो कि अपने बजिज़ के लिए होगा, पैरट्स के लिए। इंशाल्लाह यहाँ पे मैं मास्टर केज बनाऊंगा ईद के फौरन बाद। इंशाल्लाह ये काम मैंने प्रोजेक्ट पे शुरू कर देना है। और इंशाल्लाह बस अभी बंटी कैंडी से हम फारग हो जाएं, कुछ दिन के मेहमान हमारे पास हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये हम काम शुरू कर देंगे बहुत जल्द। और यहाँ पे हमने डॉग का हाउस बनाया था जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉग भी हमारे पास एक आ जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अभी हम अपने पैरट्स देख लेते हैं जो कि माशाल्लाह काफ़ी अभी खुश हैं क्योंकि यहाँ पे खुली हवा में है। ये देखे, यहाँ पे इन्हें मैंने बाजा भी डाला है, दाना इनका डाला है और पानी भी इनका पड़ा हुआ है पास। तो ये अभी काफ़ी खुश हैं यहाँ पर। तो अभी मैं लेके आया हूँ मुर्गियों के लिए दाना, ये इनको डाल देते हैं। भूखी थी काफ़ी देर से तो इनको डालते हैं। और अभी इनको मैंने दाना डाल दिया है। तो कुछ हमारी मुर्गियाँ वो साइड पे गई हुई हैं, तो इनको भी यहाँ पे बुला लेते हैं, ये भी आके खा ले यहाँ पर। ये आ गई हैं यहाँ पर खाने के लिए। ये हमारी सारी मुर्गियाँ खा रही हैं बाजरा, तो ये खा ले फिर इनको और डाल देंगे। कैंडी के लिए अभी हम बनाते हैं गतावा, चले आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह बनाते हैं। इनको गतावा बना के डालते हैं। पहले हमने डालनी है तूड़ी, चलें इतनी काफ़ी है, ये खा लेंगे फिर हम बाद में और बना देंगे। अब इसमें हमने डालना है चोकर जो कि इधर पड़ा है। ये जितनी तूड़ी डाली है इसे हाफ डालना है चोकर। इसमें डालना है हमने ये दलिया है गंदम का, ये डालना है। चलें इतना काफ़ी, अभी इसे मिक्स करते हैं। करो थोड़ा सा डाल लेते हैं। चलें जी, अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाना है। अभी मैं घर से जाके पानी भी ले आया हूँ, तो इसमें पानी भी डाल लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये चोकर वगैरह मिक्स हो जाए। चलें जी, अभी हमारा गतावा रेडी हो गया है। तो ये डालने से पहले हम अपने बंटी कैंडी को शक्कर बेसन वाला पानी पिला देते हैं, उसके बाद हम ये गतावा इनके पास रखेंगे। मुर्गियों ने तकरीबन सारा बाजरा खा लिया, तो इनको और डाल देते हैं। ये तो अभी मैंने पानी बना के इनके पास रख दिया शक्कर बेसन वाला।
ये पी लें, फिर इसके बाद हम रखेंगे तवा। पैन के पास ये तवा ताकि ये भी खा लें। अभी ये खाना शुरू कर दिया इन्होंने, साथ साथ पानी भी पीते रहेंगे और ये भी खाते रहेंगे तवा भी। और बेबो को हम चारा डाल देते हैं, बेबो चारा खाएगी। आप चारा खाओ। अभी हमने बाजरा भी डाल दिया और बंटे के अंडे को गतावा भी बना के डाल दिया, पानी भी डाल दिया। अभी हमारा काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो गया है, तो बस अभी सफाई रहती है करने वाली। ये साइड की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कचरा जमा हो गया है, तो इसकी सफाई भी हम करेंगे। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।